हाँ दोस्तों, हम अपना पिछला जो वीडियो था उसमें हम बताए हैं जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का सबसे आसान, सहज और सरल तरीका। आज हम उसी का थोड़ा आगे बढ़ाते हुए पार्ट टू, जो कैसे हम लोग अपना इम्यूनिटी सिस्टम एक्सरसाइज के द्वारा बरकरार यानी मेंटेन रखा जा सकता है, मेंटेन नॉट बढ़ाया। ठीक है, तो इम्यूनिटी सिस्टम एक्सरसाइज के द्वारा कैसे बढ़ाया जा सकता है वो हम आपको अभी बताएंगे। हाँ, एक स्टार्टिंग पोजिशन आचे एकदम ठीक सबाई ए रकम ही थकते हैं। स्टार्टिंग पोजिशन है, सबको ऐसे ही रहना है शुरुआत, फिर उसके बाद ध्यान से देखिए ठीक, आस्ते आस्ते एकदम आस्ते स्लो स्लो, फिर वापस स्लो आस्ते आस्ते, एक ये दो ये तीन चार पांच हाँ दोस्तों, देखे आप लोग कैसे हम किए हैं। बंधुरा तुम्हारा सबाई देखे छो कि भावे हम ये टा कोरे छी, एकदम एग्जैक्टली आप सभी को ऐसे ही करना है। ओनली फाइव टाइम, सिर्फ पांच बार आप लोग को ऐसे ही करना है। पांच बार करके दो सेट या दो टाइम, लड़का लड़की बच्चा बूढ़ा सब कोई कर सकता है और इसका लाभ पूरा आपको मिलेगा। ये जो इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का जो अभी थोड़ा देरी पहले हम बोले थे, मेरा पिछला जो वीडियो था, ये पर ज्यादा प्रेशर गिरता है यहाँ से लेकर यहाँ तक। जब आप लोग इसको करोगे सही तरीका से तो आप लोगों को पता चलेगा सर से लेके पैर तक का पूरा बॉडी का एक्सरसाइज हो गया। तो ये एक्सरसाइज आप लोगों को डेली मात्र दो बार करना है, पांच पांच बार करके, तभी हम और एक तो दिखा देंगे इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का जो प्राणायाम होता है उसी के बारे में। हाँ बंधुरा, हाँ दोस्तों, ये पोजीशन में हम लोग को पहला बैठना है। यही पोजीशन में हमारा एकदम नी करे बसे थकब, जेटा हमें देखो जो प्राणायाम माध्यम इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ानों उपाय। प्रथम जे पहले का जो एक्सरसाइज देखा है उसका बाद इसको करना है सबको। तो दाया पैर बाया पैर का बाद दाया पैर बाया जांघ का ऊपर रखे, उसके बाद ये पोस्चर रहेगा ठीक, ऐसे या ऐसे जैसे भी। तो पहला जो रहेगा ऐसे, तो दोस्तों ऐसे 20 बार करके दो बार करना है, यानी 20 बार करके दो सेट 40 बार करना है। जो पहला देखा है उसका बाद ये वाला करना है, और ये आप लोग दो बार करते हैं, दोनों साथ एक साथ करते हैं, तो बहुत आप लोग का इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है वो आप देखिए। हाँ दोस्तों, हाँ बंधुरा, प्रथम जो पोजिशन आज ठीक है एरक हमारा थक बसिए, उसके बाद पैर को फैला लेना है अपना हिसाब से, हाथ को भी, हाथ का जो तलवा है ऊपर का तरफ रहेगा, इसको बोलते हैं शवासन। ये शवासन हम लोग रहेंगे ऐसे 5 मिनट तक। ये जो पहला जो एक्सरसाइज दिखाए थे उसके बाद जो प्राणायाम दिखाए थे या ब्रीदिंग टेक्निक, उसके बाद इसको हम लोग को करना है। अगर आप लोग ऐसे कर सकते हैं जो पहले सुबह में थोड़ा पैदल चल लीजिए या स्पॉट जॉगिंग, हल्का जॉगिंग कर लीजिए, उसका बाद वो पहला वाला जो एक्सरसाइज दिखाए वो वाला कर लेते हैं, उसके बाद
ब्रीदिंग टेक्निक उसके बाद शवासन तो बहुत बढ़िया लाभ देगा। तो ऐसे ही हम लोग को 5 मिनट तक रहना है, ठीक है। ऐसे एकदम बॉडी रिलैक्स, माइंड रिलैक्स, एकदम बॉडी को छोड़ देना है जमीन का तरफ। फिर उसके बाद 5 मिनट का बाद ऐसे हम लोग उठ जाएंगे आराम से। उसके बाद ये जो प्रोसेस है पूरा, ये एकदम कंप्लीट प्रोसेस हुआ। इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट अप करने का, इम्यूनिटी सिस्टम मेंटेन करने का। अगर आप लोग परमानेंटली इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट अप रखने चाहते हैं तो आप लोग का जो इसके पहले जो वाला जो वीडियो है इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का सहज और सरल तरीका, उसको आप पहले फॉलो कीजिएगा, उसके बाद ये वाला।